अपने घर चला मैं तेरे नहीं रहना बहुत वधिया लग रहा अर्जुन ने घर आने फोन किया अपना मम्मी कहने लगे सारा मैं तेना नहीं रहना मेरी मम्मी मेरी भूआ बेदल किया मैं क्यों पुलिस को जावा मैं तो बेदल किया हो मैनू जान की लोड़ नहीं मैंने कभी बेदल किया पंजाब के जलंधर में लिंग बदलवा लड़की बनकर शादी करने और बाद में प्रेमी के मुकरने का एक और मामला सामने आया है। महानगर में लड़के ने दूसरे लड़के के प्यार में लिंग बदल लड़की बन शादी रचा ली। दोनों कुछ दिन साथ रहे लेकिन फिर प्रेमी को शादी रास नहीं आई, वह उसे धोखा देकर अपने घर भाग गया। इस पर लड़के से लड़की बने शुभम उर्फ जिया ने थाना बस्ती बाबा खेल में जमकर हंगामा किया और न्यू संतनगर के अर्जुन के खिलाफ थाने में शिकायत भी दी। बस्ती पीरदाद निवासी शुभम उर्फ जिया ने बताया कि वो शोभा यात्रा में निकलने वाली झांकियों में मेकअप कर देवी देवताओं के किरदार करता था। 4 साल पहले उसकी मुलाकात न्यू संत नगर के अर्जुन से हुई थी। शुभम उर्फ जिया ने आरोप लगाया कि अर्जुन के प्यार में उसने लिंग बदलवाया और लड़की बन गया। फिर 2 साल तक दोनों में लिव इन रिलेशन रहा। उन्होंने 2.5 साल पहले हिंदी रीति रिवाज से शादी कर ली। यह बात दोनों के घर वालों को नापसंद थी, उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद दोनों नाला गांव किराए के मकान में रहने लगे। जिया ने कहा कि कुछ दिन पहले अर्जुन बाइक की किस्त लेने के लिए अपने घर गया लेकिन वापस नहीं आया। उसने जब उसके घर जाकर पता किया तो उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। इसके बाद उसने बस्ती बाबा खेल थाने में शिकायत भी दी। शुभम उर्फ जिया ने कहा कि अर्जुन के कहने पर उसने अपना नाम जिया रखा और अपनी बाजू पर टैटू भी बनवाया। उसने लड़कियों की तरह कपड़े पहनना और रहना शुरू कर दिया। शादी के बाद वह दोनों फैक्ट्री में भी काम कर चुके हैं। वहीं दोनों के परिवारों ने उन्हें घर से बेदखल किया हुआ है। अर्जुन के पिता विजय कुमार फुटबॉल सिलाई का काम करते हैं और उन्हें के 2 बेटे हैं जिनमें से अर्जुन बड़ा है। वर्ष 2020 में उन्होंने अर्जुन को घर से बेदखल कर दिया था। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। वहीं शुभम को भी इस घटना के बाद से परिवार वालों ने घर से निकाल दिया था। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कहां तक ये बात पहुंचती है और इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। देखिए जलंधर से सतीश कश्यप के साथ देवराज की ये रिपोर्ट। जुतियां मार के कटा जाना मेरे अंदर वड़िया। मैं क्लियर गल करांगा, मैं अपना मुंडा बेदल किया, मेरा कोई लिंक नहीं। मैं जिम्मेवार नहीं है, मैं अपना मुंडा बेदल किया हो। मेरे मुंडे असं घर गए जो रिलेशन से, चलो मैं अपने बेटे पूछा, कहना डैडी नहीं मैं चला वा कि करूँ। मैं जा जाना मैं गया घर, इन्हों घर गया उन्ना अंदर बैठे हैं दोनों जने बैठे ने। यह कहना जे तेनू किसी ने कुछ कहना तो मैं कुछ खा के मर जूंगा। मुंडे मैनू मरन दिया धमकियां दिता है ए प्यो के सामने, मां सामने भी ये धमकियां दे रहे सी मुंडे मेरे दे सामने मुंडा। तो मैं डैडी ने मैनू सलाह दी कि भाजी इधर आओ गल सुनो। मैं क्या दसो, कहें आप बेदल कर दें, घरों कर दें जिते मर्जी जाओ। मैं ठीक है,
इको डेट से आना दोनों असं बेदहल करके आए हैं, इको डेट से बेदहल करके आए हैं एना दोनों। एना ने की किया दो दिन नहीं बीते, एना ने मुंडे मेरे नाल लग के की पता की किया, फोटो खिंचिया, ब्याह होया भी की नहीं होया मैनू नहीं चीज का पता, फिर माँ प्यो ना लेना। एक अपने बच्चे बेदहल करते पे ने, अपने बच्चे नाल मेरे बच्चे भी अपने घर रख रहे हैं, किस फेस से रखते हैं, इन्हें सरकार इंक्वायरी नहीं करेगी। एक तू अपना बच्चा बेदहल किया कि घर वाड़े है। अच्छा, सैपरेट नहीं सी रह रहे, कट्ठे ही रह रहे से। एना ने अपनी जगह दी है, उत्थे रह रहे हैं, मेरा बेटा भी है भी। अच्छा जी। दोनों ही एना माँ प्यो नहीं कानूनी कारवाई होगी, तु बेदहल करके कि घर रखे, उत्थे बेदखली तड़ाई है, बेदखली तड़ाई है। मेरा बेटा उदन घर आया है, छड़न आए ने, इन्हें मैंने बाद फोन किया कि अर्जुन आया, एनू इतने छड़ के चले गए ने। अपने बेटे ने कहा, मैं क्या मैं तेन बेदहल किया, मैं तेन घर नहीं रख, जिते तेरा दिल करता जा मेरे को नहीं आना। मैं क्या तेरी वजह करके ते मुंडे की वजह करके, तेरी वजह करके मेरी जनानी दो अटैक हो गए ने, ठीक है। फिर अरे माँ प्यो ने रल के एक सानू सलाह दी, सानू सलाह दे के मेरा ही बच्चा अपने घर रख लिया इन्होंने। मेरी जनानी की हालत है, एक प्यो कभी रोंद, मैं उन्हें रो रो के दिन कट्टी देने, मेरा रब जानता मैं परमात्मा से सौं करना, मेरी जनानी दो अटैक हो गए ने। एक कहने ने मेरा भैन चो बच्चा घर रखा, एक उल्टे हाटे दे इल्जाम लगाते ने, कहना मुंडे को यह लेना तो वो लेना, मैं कितने जाना ही। एक कहना मेरा मुंडा घर रखा, उल्टे ऐसी जी आई है भूआ, ऐसी जी भूआ आई है, ऐसे कम ही आई ने, लोगों को पैसे लेने सुलह करानियाँ, जनानी का कम ही आई उत्थे। पता ने मैंने की तम हाडी कि पुलिस वा कवे जा ही किसी जानने, असं अपने घर रोटी पकाने हैं, खाने उत्थे गए की कहती, कहती चौधरी अभी भूआ कहती मेरा चौधरी वाकव, मेरा डीसी वाकव, मेरा एस पी वाकव, तो साडा कौन वाकव आई की करना, किनू कहना है पुलिस वाले की धमकी दी। बेटा घर आया थोड़ा टाइम तो बताया वंशी, ब्याह तो बाद मेरा नाम जिया रखा। जिया ये जिया जो मामला से हम अभी थोड़ा शुभम या जिया दोनों ही कह सकते हैं ना, ये मामला की है, मतलब पूरा किमें तुम कि संपर्क के आए, वह नाम है जो नाल जिन्हें मेरे नाम मैरिज करवाई से उनका नाम अर्जुन है। अच्छा। तो अज साड़ी मैरिज में 2.5 साल होए है, तो वह कहता हूँ कह रहे अपने घर जाके कि मैं तेरे नाल नहीं रहना, मैं किसी कुड़ी नाल विआह करवाना। तो जो उन्हें मेरे नाल विआह करवाया उस टाइम उन्होंने नहीं पता कि मैं कुड़ी हाँ तो मुंडा वा, मैं क्यों मैं विआह करवा रहा। अज उन्हें घर जाके इन्ना पता लग गया कि मैं हूँ किसी कुड़ी नाल विआह करवाना। अर्जुन का घर हैगा न्यू संत नगर नियर शिव मंदिर, तो उन्हें अपने चाचा जी की दुकान है गब्बर नाई है उनका नाम। अच्छा। उनके पापा का नाम विजय कुमार है, उनके पापा मैंने बहुत धमकिया देंगे कि आप तेन मरवा देना जो तुहाडे मुंडे नूं फोन किया या उन्हें कितने बुलाया। तुसी अर्जुन नूं मिले किदां सीगे? अर्जुन नूं मैं मिली सी कि उन्हां दी गली दे विच ना एक डड्डी अंकल रहिंदे ने, उन्होंने मुंडे जिदा कि शंकर पार्वती का काम करते हैं उन्होंने नाल मैं ग्रुप से उन्हों का, तो मैं उन्होंने झांकिया करन जाती सी, यह भी नाल ही जाते साढ़े, तो जिदा कि आप दोनों कट्ठे बहते अटैचमेंट हो गया, आप रिलेशन च आ गए, तो फिर ना वो मैंने छड़न लई तैयार की तो ना मैं, तो आप फैसला ले लिया कि आप मैरिज करवा लें। तो उन्होंने मेरे नाल मैरिज करवा ली, लेकिन मैरिज लई मेरे पेरेंट्स तो उन्होंने पेरेंट्स एग्री नहीं सी, बट फिर भी आप अपने घरदे खिलाफ जाके दोनों ने मैरिज करवाई, मेरे घरदिया ने उनके घरदिया ने सानू दोनों बेदखल किया। बट अज उनके घरदिया ने उन्हें क्यों अंदर वाड़िया, बिना बेदखली तो किदा अंदर वाड़िया, तो कह रहा कि तू साडे कोल रह हुण आपां तेरा किसी कुड़ी नाल विआह करदे आ तो उन्हें छड्ड दे। जिहड़ी तुसीं दोनों ने आपस दे विच मैरिज करवाई सी उह कित्थे करवाई सी? उह सर आपां मैरिज करवाई सी जदों साडे घरदिया ने सानू बेदखल किया सी ना, तो आपां रेंट ते रूम लिया सी नियर अबाउट लैदर कंपलैक्स गैस एजेंसी तो थोड़ी जी अगे जाके ना एक क्वार्टर आते हैं उत्थे आपां रेंट ते रूम लिया, तो रूम लैन तो बाद 3 दिन बाद साडी मैरिज हुई सी 26 जनवरी वाले दिन 2020 में। कोई फोटो वगैरह है? हाँ जी सर फोटोज है मेरे को। जी है जो थोड़ी मैरिज हुई सी। हाँ जी। कि मैरिज तो बाद लाइफ में डिस्टर्बेंस होने लग गई सी जां मतलब हुण जेही हुई है? नहीं मैम जिदा मैरिज तो बाहर घर के माड़ी मोटी लड़ाई होंगी सी, तो मैं उन्होंने उदों कहा मैं कहा जी तुम्हें मेरे लड़ना है ना तो मैं तेरे नाल नहीं रहना, बट मैंने धमकिया देंगे कि जे हूँ तो मैं छड के गई ना तो मैं कुछ खा के मर जाना। मैं अपने मन समझाया कि देखो जे मैं मैरिज करवाई है तो मैं इन्हों के नाल ही रहांगी, बट अज वो मैंने छड के अपने घर चल गए हुए हैं। नहीं 2.5 साल उदो प्रोपर थोड़े ना रहे? हाँ जी 2.5 साल प्रोपरली रहे, साढ़े सारे एरिए पता जिथे आप रह रहे हैं, सारे मुहल्ले पता कि आप हसबेंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। हर साल आप अपने घर जागरण करवाते, मेरे को जागरण की वीडियोज़ पे एना पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स उस वीडियो के है, इन्हों मासी की कुड़ी की मैरिज थी, ए मैंने उत्थे लैके गए
अज ये पेन ड्राइव लिया के दिखा सकते हैं कि उनके मेरी वीडियोज भी है ने। मैं इन्हों की गली च भी जाती रही हूँ सारे दिन हो गए जी थोड़े को अर्जुन गया हूँ अज मैम 10-12 दिन हो गए हाँ कोई गलबात नहीं कोई गल नहीं कोई मैसेज फोन कॉल हाँ जी जिदा वो अपने घर गए है ना 4-5 दिन साड़ी गल होंगी रही है मेरे को रिकॉर्डिंग्स पे गल करते हाँ जी की कहते मैं कहते कि मैं तेन छड नहीं सकता बट मैं मजबूर हाँ सुनाना मैनू कहते कि मैं मजबूर हाँ मैं तेरे बिना रह भी नहीं सकता पहला अर्जुन की फोटो दिखा दो मजबूरी है दसी है कि मैं अपने पेरेंट्स नू नहीं छड़ सकता नहीं जो मैरिज करवानी सी तो पेरेंट्स नाल नहीं सी अज 2.5 साल बाद उन्होंने पेरेंट्स याद आ रहा कि मैं अपने पेरेंट्स नहीं छड़ सकता मेरे भी तो पेरेंट्स है गई है मैं भी तो छड़ के रह ही रही हूँ उन ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਬਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਣਾ प्ले कर दो कोई कोई भी एक प्ले कर दो आवाज करियो ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਲਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਏ